तिवारी समृद्धि न्यूज चैनल से। अभी हम पहुंचे हुए हैं सूर्यभान सिंह, उनके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। मैं आपको बता दूं कि समाज से काफ़ी जुड़े हुए हैं और रांची में इन्होंने, रांची ही नहीं यदि कहा जाए तो बिहार झारखंड में इन्होंने अपना पहचान छोड़ रखा है और समाज से काफ़ी जुड़ के रहने वाले व्यक्ति हैं। और अभी हाल फिलहाल में मैं आपको बताऊँ कि भाजपा, भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ और बहुत ही जबरदस्त और होनहार एक कार्यकर्ता है। और आइए बात करते हैं, जानते हैं इनसे क्या करना चाहेंगे। हेलो श्री चैनल के तमाम दर्शक आपको देख रहे हैं, टीवी चैनल जी, सबको नमस्कार। जय गुरु नारायण जी, बहुत कुछ जानना चाहते हैं आपके बारे में। सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि थोड़ा सा इन दर्शकों से थोड़ा सा रूबरू हो लिया जाए, उसके बाद आगे हम लोग आते हैं। ये सभी दर्शकों को मेरी हार्दिक शुभकामना और बधाई श्रीमन नारायण, क्योंकि आज हमारे भोजपुर आरा क्षेत्र में श्री जय स्वामी जी के सानिध्य में श्री रामानुजाचार्य के 1000वीं जयंती के वर्ष पर एक बहुत सारे बड़े बेहद पैमाने पर यज्ञ हो रहा है। श्री आप सबको हार्दिक शुभकामना बधाई। एक छोटी सी झलक में चाहूँगा कि अपने बारे में दर्शकों को बताएं, छोटा सा एक संक्षिप्त अपना विवरण शुरू से। नाम मेरी सूर्यभान सिंह, ऐसे से व्यवसायी हूँ, फिलहाल घर पर एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। समाज में रुचि रहती है, करीब 25-30 सालों से इस समाज में कुछ सेवा कार्य करता रहूँ। मैं पहले भी सिंधु परिषद के झारखंड स्वर्ण जयंती महोत्सव समारोह के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करता था, फिलहाल रांची का भारतीय मैं अध्यक्ष हूँ। रांची से ही मैं आरा और रांची दोनों जगह का सेवा पार्थ से देखता हूँ। समाज सेवा से आपका काफ़ी लगाव रहा है, समाज को सेवा करने के लिए। आप एकाएक आपके मन में ये कैसे ख्याल आया कि हमें राजनीति में भी आना चाहिए? नहीं, राजनीति में आना चाहिए ऐसी ख्याल एकाएक नहीं आया है। मैं तो करीब 25-30 वर्षों से बताया कि छोटे पैमाने अपने घर से, कुतिया देहात में, गाँव से, आस पड़ोस जवाब, फिर आज बड़े पैमाने पर जैसे जैसे मैं बढ़ता गया वैसे वैसे दायरा सेवा कार्य का, सामाजिकता का बढ़ते गया है। राजनीति में आने के ख्याल है कि लोगों की मनसा है कि राजनीति में, अब मैं अपने मुँह से कैसे बोलूँ जी, राजनीति में कुछ ऐसे लोग आए आपको आना चाहिए, मैं क्यों नहीं, मैं तो ऐसे सेवा कार्य में हूँ क्यों। और ये लोगों की मनसा है कि जो व्यक्ति बिना राजनीति में रह के कुछ करता है, और राजनीति में पहले से मैं हूँ, आज कोई नया नहीं आया। काफ़ी लोगों को आप देवघर भी ले गए थे, काफ़ी बस गई थी और काफ़ी लोग उसमें इन्वॉल्व थे, सारे लोगों को आपने वस्त्र वगैरह भी ये किया था, तो निश्चित तौर से आप समाज से काफ़ी जुड़े हुए हैं। मैं जानना चाहूँगा कि अभी जो एक ये रैली गई थी राजद की, महा रैली का नाम दिया गया था, मैक्सिमम लोगों का कहना है कि नहीं ये रैली फ्लॉप हो गई, कुछ लोग कहता है कि नहीं रैली सक्सेसफुल रही, आपका क्या कहना है इसके बारे में? पहले जो आपने पूछा कि काफ़ी संख्या में आप बाबा धाम बस लेके गए थे, तो मैं बाबा से मिलने रैला लेके गया था, बाबा का रैला। और लालू जी इस बार के समय में, दुखियारी बिहार के समय में रैला बुला रहे हैं, इसमें भी गाड़ियाँ कही गई कि सुनने गई, ये करीब करीब इतने पैसा खर्च करके बाहर में देखा जाता, गरीबों के कुछ उपकार हो जाती, बाढ़ के कुछ सहायता हो जाता। आपके अनुसार क्या लगता है, रैली फ्लॉप हुई थी उनका, इससे कुछ सफलता मिल सकती है लालू प्रसाद यादव जी को? उनकी अपने आप में सफलता है और अप्लाई करने के तरीका है, टूट चुके थे, एक सरकार गिर गई, दूसरे भ्रष्टाचार के आरोप में उनके पूरे परिवार फंसता नजर आ रहा है, इसलिए उनको हौसला अफजाई करने के लिए सारी पार्टी को एकत्रित करके भीड़ में अपने आप को एक होने का प्रयास किया है। क्या लगता है भाजपा को कहीं से इस रैली से कोई परेशानी? नहीं, कहीं से किसी रूप में नहीं, सभी लोग जानते रैली फ्लॉप पैसे के द्वारा, जो लोग कमाए हैं पैसे से, पैसे के द्वारा रैली गया है और लोग पैसे से गए हैं, उनको सुनने के लिए उन्हें, और लोग तमाम दर्शक आपको टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए? मैं तो कहूँगा कि आप अपने बिहार हो या किसी भी एक राष्ट्र, नव राष्ट्र निर्माण करने के लिए अपनी सहभागिता निभाएं, अच्छे नेताओं को चुनें जो आपके लिए काम करें, समाज के लिए काम करें, अपने देश और राष्ट्र के हित में काम करें, ऐसे लोग किसी के बहकाव में नहीं आना। और आपके मन में जो उत्साह लोगों को पौधा बांटने का, ये आपके मन में ख्याल? हमारे भाजपा के सूची में पहले से है, प्रत्येक व्यक्ति कम से कम, प्रत्येक भाजपा के कार्यकर्ता 10-10 वृक्ष लगाए, ये कार्यक्रम पहले से चल रहा है। इसी में मैं सौभाग्यशाली अपने आप को प्राप्त महसूस करता हूँ कि परम पूजनीय श्री जय स्वामी जी जो महायज्ञ कर रहे हैं, उसमें 125,000 वृक्ष का संकल्प ले चुके थे और उस कार्यभार को मेरे द्वारा संपन्न कराने का विचार हुई, और वो कार्य सेवा भारती के माध्यम सभी भाई बंधु हित पुरुषों के साथ 125,000 वृक्ष का कार्यक्रम कर रहे हैं। पिछला 25 तारीख से उसकी उद्घाटन हुई, करीब करीब 32,000 वृक्ष तक बढ़ चुका है, जो तो पर्यावरण की दृष्टि से एक पर्यावरण में जो अशुद्धियाँ आ गई हैं, वातावरण बदल रहा है, वायुमंडल दूषित हो गया है,
तो पृथ्वी वायुमंडल के संतुलित है, वृक्ष का लगाना अनिवार्य है। इससे क्या स्कूली बच्चों में भी, छोटे छोटे बच्चों में वृक्ष के प्रति एक आकर्षण का माहौल बना हुआ, बड़े लोग उत्साहित हैं। ये तो मैं तो कहूँगा कि सारे लोग वृक्ष लगाएं, जो जहाँ है वहाँ वृक्ष लगाएं, और वृक्ष ही आपको संतुलित कर सकता है। वातावरण में बदलाव आ गया, बरसात के समय बरसात नहीं, बरसात के समय में गर्मी, गर्मी के समय में जाड़ा, उल्टा चल रहा है। तो किसान लोग भी इससे प्रभावित हैं कि धान के समय में कैसे बीज लगाऊं, बरसात आनी चाहिए, बरसात एक महीना लेट, जाड़ा एक महीना लेट, तो फसल पर भी एक हमारे भारतीय पौधा वितरण का जो कार्यक्रम चल रहा है बहुत अच्छा है, और निश्चित तौर से आप लोगों का बहुत बहुत बड़ा योगदान समाज के लिए रहा है। ये किस टाइप के पौधे इसमें आपको मिलते हैं? ये फलदार वृक्ष है, एक दो करीब करीब इसमें इकोनॉमिकल वृक्ष भी है, जैसे सीसम आ रहा है आज, आज एक गाड़ी लखनऊ से चली है जिसमें 15,000 वृक्ष है, उसमें 3,000 सीसम का पौधा है। इसके पहले ऐसे हम लोग एकाध वृक्ष सेमर का या इस तरह का वृक्ष लगाते हैं, बाकी 11 किस्म का फलदार वृक्ष है। अनार है, आंवला है, आम है, अमरूद है, कटहल है, सारे फलदार वृक्ष चल रहे हैं। लोगों की इंदा सभी पौधे पर बड़ी उत्साहित होकर मिलेगा। कार्यक्रम कब तक चलना चाहिए? ये एक महीना पूरे 25 तारीख से शुरू हुआ है, 30 सितंबर तक ये कार्यक्रम चलेगा। लगभग हमको तो लगता है उसके पहले हम लोग सवाल वृक्ष बढ़ जाएगी, लोगों को साथ देख कर, क्योंकि एक महीना का कार्यक्रम हम लोग ये कहते कि प्रत्येक दिन 3,000 से 4,000 वृक्ष बांटते हैं, तो 30 सितंबर तक ये खत्म होगा। लेकिन ये 3 दिनों से जो कार्यक्रम चला इसमें जितनी संख्या में वृक्ष खत्म हुआ तो लगता है कि भले खत्म होगा, लेकिन लोग यहाँ के पूरे शाहबाद की धरती हरा भरा सा ऐसा जरूर नजर आ रहा है। ये स्वामी जी की प्रेरणा से हो रही है, प्रभु भगनाथ की कृपा असीम अनुकंपा मैं समझूंगा कि उसके बाबा से करूँ कि पूरे शाहबाद की धरती को हर हर महादेव कर दो, हरिहर हरे नहीं कर दो, हर हर महादेव। बाढ़ पीड़ितों के लिए आप लोगों ने क्या? बाढ़ पीड़ितों के लिए हमारे भाजपा से वृक्षाटन करके कई बार गया, हर सरिया मंडल से, हरा मंडल से, भोगा मंडल से, पूरे जिले में लोग बाढ़ पीड़ितों के वृक्षाटन किया, और यहाँ आने पर तो आप देखे होंगे पिछला वर्ष काफ़ी संख्या में करीब हम लोग 74 गाँव अपने से गया। तो भाजपा के कोई भी कार्यकर्ता हमेशा बाढ़ पीड़ितों के साथ रहता है, ये शुभकामना देंगे, भगवान से प्रार्थना भी करेंगे जल्दी से जल्दी निजात हमारे बिहारी भाइयों को, बिहार उत्तरी और पूर्वी बिहार के लोगों को बाढ़ से जल्दी मुक्ति। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। आप लोगों ने देखा अभी भारतीय जनता पार्टी के एक कर्मठ कार्यकर्ता सुभान सिंह से हमारी बात हुई थी। निश्चित तौर से ये अपने आप में एक सामाजिक आदमी है, और सामाजिक व्यक्ति वही होता है जो समाज को लेके चलता है।